ओके फ्रेंड्स, तो आपका सम नंबर 7 मींस क्वेश्चन नंबर 7, 7 का फर्स्ट सम। इस वीडियो में हम आज चार सम करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर cot है और cot इनवर्स है, तो पता होगा cot है cot x, cot है अंदर cot इनवर्स, कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, तो उसमें क्या आपको ये चीज कट जाता है, आपको नहीं थीटा बचता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, आपको सिंपली ये हो गया, पकड़ गया, तो आपको क्या मिला y = e raise to x square मिल गया। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से करना है, तो आपको क्या मिलेगा, dy / dx, dy / dx मिला। अब e raise to x का फंक्शन, e raise to x का डेरिवेटिव, e raise to x का डेरिवेटिव आपको e raise to x ही मिलता है, बट एक्चुअल में e raise to x क्या, तो आपको e raise to x का स्क्वायर मिला, बट e raise to x है क्या, ये e raise to x स्क्वायर है, तो इसके लिए d by dx of x का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, e raise to x स्क्वायर इंटू में, इसमें कौन सा फॉर्मूला, x raise to n का फॉर्मूला, तो n x raise to n minus 1, तो यहाँ पर 2x 2 minus 1 मिल गया आपको, तो अब इसको सिंपली लिखो, 2 आपको जो x बचेगा e raise to x का स्क्वायर dy / dx, तो देखा कितना इजी सम था, तो आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो सम नंबर 2 देखिए, यू हैव दैट y = cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 / cos ऑफ 5 raise to x। अब देखिए लास्ट सम क्या था, cot cot इनवर्स था, ये कैंसिल हुआ, अगर ये जिस चीज है यहां पर cosec आ जाएगा, यहां पर cosec इनवर्स है, और अगर यहां पर cosec रहेगा थीटा, तो यहां पर कट जाएगा। ठीक है, बट यहां पर क्या है, cosec है यहां पर, तो cos है, तब तक cos का फॉर्मूला क्या था, 1 / cos किसी इक्वल है, 1 / cos इक्वल टू 1 / cos किसी इक्वल होता है sec थीटा, 1 / cos क्या है, sec थीटा। ठीक है, तो मैं वन इसको वन अपन कॉस का उल्टा क्या है, सेक है, तो मैं यहाँ सेक लाऊंगा, तो भी कैंसिल होगी, अगर इधर सेक है तो सेक थीटा का इनवर्स ये और इधर सेक थीटा रहेगा, तो ये कैंसिल हो सकता। मैं हम ये फॉर्मूला आपको इजी करते हैं, मैं बताया आपको कौन सा आपको कब यूज करना है, आपको बता दीजिए, तो आप सोचेंगे इसको वन अपन कॉस का सेक थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉसेक है, कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, कैंसिल हो सकता। ठीक है, अब आप देखिए एक और चीज़, तो देखिए हम लोग वन अपन कॉस ऑफ सेक लिख के, आपको कुछ यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं, तब ये मत करो। अब एक और चीज़, फॉर्मूला आपके पास, फॉर्मूले का देखो, वन सेक कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 / x। ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 / x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x। ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 / x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो आपको ये क्या मन जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ, देखिए 1 / x है, ये हमने इसको मैं पूरा क्या x से गुणा कर लिया, तो पूरा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन गया, कॉसेक इनवर्स 1 / x है, तो कॉसेक इनवर्स 1 / x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें क्या करूँ, देखो तो साइन इनवर्स x को ये आ गया आपको, तो कॉस ऑफ 5 raise to x। ठीक है, कॉस ऑफ 5 raise to x लिख दिए हमने, ये लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, कॉसेक इनवर्स 1 / x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, अब इसका मतलब इसका यूज क्या है, मैंने ये क्यों किया, अब देखिए पहले जो सेक था, कॉसेक इनवर्स जो साइन है, कॉसेक बन सकते हैं कैसा, देखो तो कॉस ऑफ पाई / 2 - थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 90 - थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो मैं यहाँ लिखूंगा अभी साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है, एक और फॉर्म आपका साइन 90 - थीटा क्या होता है, आपको कॉस थीटा, लिखिए ये आपका फॉर्मूला है साइन 90 - थीटा क्या, आपको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपको ये फॉर्मूला सेम फॉर्म है, तो वही मैं ये, अब मैं ये फॉर्मूला, मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लूँगा, क्या लिखेंगे, एक कॉस था तो कॉस में साइन में, तो साइन ऑफ पाई / 2 - 5 raise to x। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स और साइन है, तो दोनों क्या जाएगा, दोनों कटेगा, तो क्या मिला आपको पाई / 2 - 5 raise to x। ठीक है, तो देखिए आपको जो बेसिक फॉर्मूला आपके नाइन्थ आपको टेंथ में पढ़े, आपको सब फॉर्मूला आपको आगे यूज होगा, तो प्लीज़ उसको अच्छे से बाय करो, और जब फॉर्मूले है आपको सब अवेलेबल मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम में चैनल में, आपको सब यूट्यूब अपने चैनल में आपको सब फॉर्मूले अवेलेबल है, वहाँ मैंने लिख के रखा आपको, तो क्या मिल गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y x, बिकॉज क्वेश्चन आपको x ही बने, तो आपको मिलेगा dy /
dx इक्वल टू, ये आपका कॉन्स्टेंट नंबर है, क्यों, यहाँ पर x है क्या, हमने x करें, यहाँ पर x है, x नहीं, मतलब ये क्या बन गया आपका, जीरो बन गया, माइनस, ये नीचे नंबर है ऊपर x है, नीचे नंबर है ऊपर x है, मीन्स a रेस टू x का डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला क्या आपका, a रेस टू x इंटू में log of a, log of a, तो मीन्स इसका मतलब क्या है, 5 रेस टू x इंटू में log 5, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, dy by dx इक्वल टू माइनस 5 रेस टू x इंटू में log 5, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं एक्चुअली क्या होगा आपको ये समझाऊंगा, पहले मैंने इसको cos को, मैंने अपन cos को, इस पहले मैं इसमें पहले इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला इसका, इसको मैंने ये फॉर्मूला इसका, ठीक है, इससे मैं इसको क्या, इसको मैंने साइन के फॉर्म में लेके आया, इसके बाद तो ये साइन तो बन गया अपन, फिर ये cos था, मैंने cos को साइन के फॉर्म में लिया, ठीक है, अब इसको इसमें अपन इसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला इसके, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किया, ये cos जो था तो cos किसे बोले, साइन, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos जो था, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला किया, फिर साइन साइन कैंसिल हुआ तो आपको मिला, इसके बाद आपको जीरो मिल गया, इसका आपका ए सिक्स फॉर्मूला। तो सर नंबर थर्ड देखिए, आपको गिवन है cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस cos x डिवाइड बाय 2। अब देखिए मैं बताया cos अंदर, अगर बाहर cos इनवर्स है तो अंदर आपको अंदर cos थीटा होगा, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको आंसर थीटा मिलेगा, उसको आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, अब ये करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या गिवन आपको अंडर रूट में cos है, तो आपको पता फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा तो थीटा, अगर यहाँ पर क्या रहेगा x रहेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा x आएगा, उसी तरह 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या था, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में पहले वीडियो में बताया, प्लीज बट फिर भी आपको उसका पास रिवाइज करो अच्छे से देखिए, तो ये फॉर्मूला 1 प्लस cos का, ये मैं इसको नहीं यहाँ पर देखिए, ये आपको y इक्वल टू, थर्ड सम y इक्वल टू, तो y को लिखा मैं आपको cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, ये इतना पूरा किससे इक्वल आ गया, इक्वल आ गया नीचे 2 तो पहले से है, ठीक है, इसके बाद 2 को हटाने बाद अगर दो cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में क्या बचा आपको cos स्क्वायर x बाय 2 बच गया, ठीक है, अब देखिए आपको पता है बचपन से पढ़ते आए कि अगर x स्क्वायर है ऊपर रूट है आपको दोनों क्या कैंसिल को नहीं x मिलता है, तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों कट गया तो cos inverse of cos x by 2 बचा, ठीक है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मिला आपको, ये आपका ब्रैकेट में लो, अब cos cos जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया दोनों को टाटा है वाई बाय क्या मैं आपको ओनली x by 2 मिल गया, तो ये आपको मिला वाई, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किस सेकंड आपको पता है x से करना, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा dy by dx इक्वल टू, पता आपको x का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, तो 1 लिखो और 2 को सेम नीचे लिखो, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट। ओके फ्रेंड्स, तो सम नंबर 4 देखिए, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन में 2, तो लास्ट में जब इसकी लास्ट में हमने क्या क्या किया था, 1 प्लस cos था, देखिए तो हमने क्या फॉर्मूला किया, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और माइनस आपको लिखी थी मैंने 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये फॉर्मूला है, तो देखिए यहाँ पर x था तो स्क्वायर का x, यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सबको स्क्वायर ही मिलेगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर क्या स्क्वायर लाएगा, ठीक है, स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ स्क्वायर है तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला 1 माइनस cos x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको, 2 sin स्क्वायर स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा, तो इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करते तो ये आपको y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लेना, और नीचे पहले से आपको क्या है 2 दिया, आपको नीचे पहले से 2 है, अब देखिए आपका ये 2 a2 सेम सेम है, अगर कोई भी दो नंबर सेम है, अगर आपको ऊपर है नीचे a तो सीधा आपको कैंसिल होता है, या सेम नंबर ऊपर नीचे सीधा कैंसिल, तो कैंसिल हुआ आपको क्या बच गया cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट साइन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, अभी देखिए ये स्क्वायर और ये रूट
इसका ये रूट कट गया तो क्या मैं आपको आपको मिल गया कॉस इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन में टू, ये मिला आपको। अब देखिए एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है, दोनों कैंसिल होना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करो साइन को कॉस बनाओ, कॉस तो साइन बनेगा नहीं, चांस नहीं है, तो साइन दोनों क्या करेंगे कॉस बनाएंगे। अब साइन कैसा बने कॉस देखिए, तो कॉस 90 माइनस सीधा क्या होता है साइन थीटा, अगर आप कॉस में 90 में सीधा करो तो साइन थीटा बन जाता है। तो देखो अभी तो कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में ये इसका हम ये आपको साइन के लिए क्या पता लिख दो, साइन थीटा किसी इक्वल है कॉस 90 माइनस सीधा इक्वल है, ठीक है। तो साइन का की साइन है तो साइन के कॉस यहाँ पहले कॉस है तो पहले कॉस लिखो फिर 90 पाई बाय टू, आप ऐसा 90 ये 90 रुपये चला दीजिए ये भी लिख सकते आप लोग, माइनस का माइनस थीटा, ये आपका थीटा था ये थीटा आया आपका ये पूरा थीटा मिलेगा, तो आपको क्या मिला वो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू मिलेगा, ठीक है। साइन कॉस के फॉर्म में आ गया, अभी दोनों सेम सेम है तो सीधा कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको 90 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में टू मिला वाई। अब इसको क्या करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली ऑन एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स, तो क्या मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या आपका कॉन्स्टेंट नंबर विदाउट एक्स है, ठीक है ये विदाउट एक्स है, इससे कोई एक्स नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा जीरो मिला माइनस, इसमें कौन सा फॉर्मूला एक्स एस टू एन का फॉर्मूला, तो एन एक्स एस टू एन माइनस वन, तो आपका पहले टू आ गया एक्स टू माइनस वन अपॉन में टू, ठीक है। अब ये टू टू क्या आपका कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया माइनस एक्स, टू में से वन गए तो वन ही बचेगा, तो आपको फाइनली क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिला माइनस एक्स, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी बैठे प्रैक्टिस को सॉल्व करो, आपको जो भी डाउट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको जो चैप्टर में नेक्स्ट सीखना आपको बताओ मुझे वो सब अपलोड कर दीजिए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो डाउट्स है आप अच्छे से कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा, आपके फ्रेंड्स को बताओ हमारे चैनल के बारे में, ठीक है, उनकी हेल्प करो खुद की हेल्प करो।